फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। 330 के सर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, शरद सर क्या करें? तो देखिए जियो के नंबर अच्छे आते हैं रिलायंस में, लेकिन इसके बावजूद रिलायंस के रिजल्ट में, लेकिन इसके अदरवाइज भी देखिए जियो फाइनेंशियल में मुझे लगता है कि देखिए सर यहाँ पर बिल्कुल 307 का जो 307 का जो एक सपोर्ट है वो बहुत क्रुशियल है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये सपोर्ट जियो फाइनेंशियल का टूटता हुआ दिखाई देगा तो एक समस्या आ सकती है। मुझे लगता है 322 के ऊपर अगर स्टॉक कहीं सस्टेन करेगा तभी इसके अंदर बुलिशनेस आएगी। अभी ये बिल्कुल सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 300, 305, 310 उसी जोन में। अगर ये जोन टूट जाता है तो जो आपका एक ब्रेकआउट बना था फरवरी 2024 में 273, वहां तक की गिरावट दिखाई दे सकती है। बुलिशनेस तभी आएगी जब 325 के ऊपर चलना शुरू करेगा। जी।